देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों ने जिला मुख्यालय सीएमओ कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में धरना दिया। सिद्धार्थनगर में एनआरएचएम संविदा कर्मचारी संघ ने अगुवाई में जिले के सभी संविदा कर्मियों ने एक साथ अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी और साथ ही साथ संविदा कर्मियों ने धरने के साथ संविदा कर्मियों के समायोजन के साथ समान मानदेय को सरकार के सामने रखने की बात कही। किन मांगों को लेकर के आप लोग हड़ताल? देखिए, हम लोग बहुत सालों से आज संविदा कार्य करते चले आ रहे हैं। सरकार का ध्यान हमारे कार्यों की तरफ नहीं जा रहा है। जो हम कार्य कर रहे हैं उसके सापेक्ष हमको उचित मानदेय, उचित पारितोषिक नहीं मिल रहा है। उसके विरोध में हम लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो सामान्य कार्य है, सामान्य वेतन, वो लागू किया जाए। हम सभी लोग जिस पद के सापेक्ष हैं, पद स्थित करके समायोजन किया जाए और ये आउटसोर्सिंग वाला ठेका प्रथा बंद किया जाए। आशाओं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, उन आशाओं को एक उचित मानदेय दिया जाए और मानव संसाधन नीति बना करके एक अच्छी एचआर पॉलिसी लागू की जाए जिससे सभी का भविष्य उज्जवल हो और सभी लोग समान रूप से कार्य करते हुए एक उन्नति की तरफ, एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सके, सबके अंदर एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। आज हम लोग कार्य करते हुए भय की स्थिति में रहते हैं। आने वाला 2 महीने बाद मार्च आ रहा है, हम सब लोग रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक अच्छा कार्य करते करने के बावजूद भी हम लोग मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं, तो हमारी सरकार से विशेष मांग है कि एक अच्छी मानव संसाधन नीति बना करके लागू किया जाए और ये जल्द से जल्द लागू किया जाए। जब तक हमारी मांगों को सशर्त माना नहीं जाएगा, लिखित में आदेश नहीं होगा, तब तक हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। यूपी क्राइम से संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।